नेपाल की तारा एयरलाइंस के विमान के क्रैश होने की सोमवार सुबह पुष्टि हो गई। आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग के सैनो सवियर इलाके की पहाड़ी पर इसका मलबा मिला है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को मलबे से 14 लोगों के शव मिले हैं। विमान में 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान 43 साल पुराना था। वहीं प्लेन में महाराष्ट्र थाने के एक परिवार के 4 लोग भी सवार थे। नेपाल में भारतीय दूतावास ने कहा है कि थाने के अशोक त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी बांदेकर त्रिपाठी, बेटा धनुष और बेटी रितिका त्रिपाठी भी यात्रा कर रही थी। सभी नेपाल के पोखरा स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। एयरक्राफ्ट ने रविवार सुबह 9:55 पर पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। इसे 10:20 पर लैंड करना था। इससे पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इसका संपर्क टूट गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि लामची नदी के किनारे प्लेन क्रैश हुआ। ये मुस्तांग जिले के मानापति हिमाल क्षेत्र की नदी है। बीते दिन बेहद खराब मौसम के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इलाके में बर्फबारी और बारिश हो रही थी, इसीलिए सोमवार सुबह तलाश शुरू की गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के मुताबिक प्लेन एक कैप्टन का मोबाइल फोन चालू था। वहीं उसकी लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो एयरक्राफ्ट की भी लोकेशन मिल गई। हालांकि स्पॉट पर पहुंचने की तमाम कोशिशें खराब मौसम की वजह से नाकाम हो गई। बता दें कि तारा एयरलाइंस का ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट 43 साल पुराना था। इसी बेड़े का एक एयरक्राफ्ट पिछले साल भी क्रैश हो गया था। इस एयरक्राफ्ट ने पोखरा से सुबह 9:55 पर टेक ऑफ किया। आखिरी सिग्नल 10:07 पर रिसीव किया। इस वक्त एयरक्राफ्ट 12,825 फुट की ऊंचाई पर था।